बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने YouTube चैनल जॉब रोजाना में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, जॉब के हवाले से जो भी कोई मालूमात आती हैं वो मालूमात मैं आप लोगों के साथ डेली अपने YouTube चैनल में शेयर करता हूँ और साथ ही आप लोगों को जॉब पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी समझाता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इस वीडियो में गवर्नमेंट की जानिब से जो लेटेस्ट जॉब्स आई हैं, गवर्नमेंट के स्कूल के में महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो ज़बरदस्त जॉब्स का ऐलान किया गया है उसकी तफसील में आप लोगों से अपनी इस वीडियो में शेयर करूंगा और आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा कि आप लोग नौकरी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो अगर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखनी है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो जॉब पर अप्लाई करने के लिए आप लोग अपने किसी भी ब्राउज़र में जाएँगे और उस ब्राउज़र में जाकर आप लोग हमारी वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे, जॉब रोज़ाना। जैसा कि मैं गूगल यूज़ करता हूं, मैं गूगल में गया। गूगल में जाने के बाद मैंने जॉब्स रोज़ाना टाइप किया और उसको सर्च किया। तो जैसे ही जॉब्स रोज़ाना टाइप करके सर्च करूंगा तो गूगल में सबसे ऊपर जॉब रोज़ाना लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही जॉब रोज़ाना आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आए, आप लोगों ने जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने हमारी वेबसाइट है जॉब रोज़ाना, ये ओपन हो जाएगी। और इस वेबसाइट में आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स जॉब्स लेटेस्ट जॉब्स फॉर मेल एंड फीमेल 107 से ज़्यादा जो नई नौकरियों का ऐलान किया गया है। तो आपने जॉब के इस टाइटल के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह का कोई ऐड आएगा, इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करता जाऊँ, आप में से कुछ ही लोग मुझसे यही सवाल रखते हैं कि जी आपकी वेबसाइट तो ओपन हो जाती है लेकिन जब जॉब के लिंक के ऊपर क्लिक करें तो वो ओपन नहीं होता। तो मेरे भाइयों, ऐसा प्रॉब्लम अक्सर आ जाता है, बाज़ों का सर्वर बिज़ी होता है या लोड ज़्यादा पड़ जाता है वेबसाइट पर। तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, रिफ़्रेश कर लिया करें या कुछ देर बाद ट्राई कर लिया करें, वरना आप लोग जब जॉब के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और उसको ओपन इन न्यू टैब करेंगे तो वो आराम से ओपन हो जाता है। जैसे कि ये जॉब्स की इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने ओपन है और यहाँ पर आप मज़ीद जॉब्स के लिंक भी देख सकते हैं। जैसे कि SST टीचर्स की जॉब्स हैं, ये बहुत ज़बरदस्त जॉब्स हैं, इसका लिंक भी मौजूद है, आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। एजुकेटर्स की 37,000 से ज़्यादा नौकरियों की इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल की जॉब्स भी मौजूद हैं, वो भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। जॉब्स अनाउंस डेट जो है वो 6/10/2020 को की गई थी। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है जी 23/10/2020 है। मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और NTS की एजुकेटर्स की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एजुकेशन जो है वो मिडल है, प्राइमरी है और पढ़ा लिखा होना जो लाजमी है इस जॉब के लिए। जॉब के टाइटल भी मौजूद हैं और नई 5,000 नौकरियों के लिए आप लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जॉब के टाइप कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स हैं, 107 से ज़्यादा नौकरियां हैं। और लेक्चरर की नई जॉब्स के लिए आप लोग जो है वो येलो कलर का जो निशान मौजूद है यहाँ क्लिक कर सकते हैं। जोंग की कंपनी के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ये इसका इन्फॉर्मेशन जो है ये ओपन हो जाएगी। लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो आप हम लोग वापस बैक आ जाते हैं और उसी जॉब के टाइटल को आप लोग देख लेते हैं। और अब बात रह जाती है कि आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। जॉब पर अप्लाई करने का तरीका बताने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी सेलेक्ट करें ताकि डेली जॉब्स की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। अब बात है कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। भाई, अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने एक CV के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, जो नीचे एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस के ऊपर आप लोगों ने तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो भेज देना है। तो इंटरव्यू की डेट्स भी मौजूद हैं, जिस सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उस सीट के आगे आप लोग देखेंगे उसका इंटरव्यू जो है वो कहाँ पर है और जगह भी मौजूद है। उस जगह पर आप लोग पहुँच जाएंगे अपनी तालीमी दस्तावेजात लेकर। और आप लोग जब भी इंटरव्यू के लिए जाया करें तो एक आप लोग अलहदा से सेट बना लिया करें अपने तालीमी असनाद का, और वो टेस्ट भी करवा लिया करें। मौके पर अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर आप ऑन दी स्पॉट जमा करवा सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका CNIC भी शामिल होते हैं और आपकी दो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो है वो भी शामिल होती हैं। तो दोस्तों, ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर की ताकि आप लोग मेरी इन्फॉर्मेशन को सुने और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। डेली इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरी वेबसाइट जॉब्स रोज़ाना जो है वो सर्च करें और यूट्यूब चैनल जॉब्स रोज़ाना पर वीडियो देखकर अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी जॉब के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।